तो पता क्या, हमारे अब्बू ना हमको पैसे देते थे, मुझे ज्यादा देते थे। सबको ज्यादा नहीं देते? नहीं, मुझे ज्यादा देते थे। आपके आपकी सारी बहनों के पास पैसे थे? नहीं, गल्ला था, गल्ला। नहीं नहीं, गल्ला सबके पास होता था, लेकिन मुझे इसलिए ज्यादा देते थे कि मैं अपने अब्बू के काम बड़े करती थी उसका। हाँ। तो वो लोग ज्यादा नहीं करते थे? नहीं, मैं अब्बू के काम करती थी। दूसरियां तो छोटियां होनी है बड़ियां। हाँ, अब्बू के लिए ना दुकान पे सौदा लेके जाती, रोटी लेके जाती थी, फिर मैं अब्बू के लिए ना। आपकी आपकी जो उनकी जो आपके बाबा की जो दुकान थी उसमें वो इतनी पास थी घर से? हाँ, तो जैसे आपका घर तो ये पास है ना। बेचते क्या थे? वो फ्रूट सारे। तो फिर ना वो मुझे रोज पैसे देती थी। मैं पता क्या करती थी, इतना बड़ा गल्ला बना लिया मैंने। तो वो ना जो मेरी बाजी थी ना बड़ी, तो वो कहने लगी कि जीना तो बड़े ज्यादा पैसे होंगे, हमारी तो कम है। तो मैंने ना मुझे दे देना पैसे। मैंने क्या, मैं क्यों दू, ये मैंने जमा की है ये मेरे हैं। बाजी ने तो वैसे वैसे ही बोला ना, मजाक किया। हाँ, तो मैं सीरियस हो गई। मैंने कहा शायद कहीं छोटी थी ना उस टाइम, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं क्यों दूँ अपने पैसे। मैंने ना कमरे से निकाल के ना बाहर गली में रख दिए। गली गली में नहीं, घर में। उस टाइम ना दीवारें कम होती थी घर की। अब तो बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना, ऊंची ऊंची। उस टाइम इतनी दीवारें नहीं होती थी, बस कमरे होते थे, तो चेन होता था ज्यादा सारा। आपके घर एक गार्डन भी था और आप लोगों का अपना घर था या रेंट पे रहते? हमारा अपना घर था। तो उसमें ना बाहर की चारदीवारी नहीं होती थी, बड़ा सारा सीन था। तो दो कमरे थे। तो मैंने ना क्या किया कि उधर से निकाल के ना अपना गल्ला, तो मैं बाहर छोटा सा होता था बच्ची खाना। हाँ। जैसे छोटा सा बच्ची खाना होता है ना, ऐसे की तरह किचन होता है, किचन को बोलते हैं बच्ची खाना। अच्छा अच्छा। तो किचन में ना मैंने उस टाइम हम जो गोया बनाते थे, गोए की हांडी रोटी बनाती थी। गोए की किसको कहते हैं? मैं दिखाऊंगी आपको, गोबर उसको बोलते हैं। जो लकड़ी? हाँ, लकड़ी लकड़ी की तरह होता है, और जो वो गाय करती है ना उसके ऐसे ऐसे बनाते हैं, वो ऐसे ऐसे खापले खापले। तो वो ना उसके मैंने देखा कि कमरे में ना मैं रखूंगी तो बाजी ले लेगी। मैंने ना उससे छुपा के ना बाहर उस किचन में रख दिए। किचन में रखे तो सुबह वो बच्चे खेल दीवार जो बाहर वाली कोनी थी, तो वो बच्चे खेलते खेलते आए। वो आप लोगों के दोस्त थे? नहीं, वो मोहल्ले के बच्चे थे। जैसे आप दस ग्यारह बजे हम तो जल्दी सो जाते है ना, तो वो खेल रहे थे, तो उसको छुपने लगा ना, उसके पाँव को लगा मेरा गल्ला। उसने कहा ये क्या, अंधेरा था। उसने कहा ये क्या, वो उसने देखा तो गल्ला था, सब मट्टी का गल्ला होता था। उन्होंने तोड़ा, तोड़ के उसमें से ना 35 रुपए ना सब ने ले लिए। किसको कहते हैं मामा? 35। हाँ, उन्होंने ले लिए। एक लड़के को ना 19 रुपए मिले, 19 रुपीस। तो वो कह रहा कि मुझे कम दिए, तो मैंने तो इनको बताऊंगा सब। जब सुबह हुई तो वो आए अब्बू की दुकान पे, तो वो कहने लगा कि आपके ना घर से ना बच्चों ने रात को ना गल्ला उठाया था, और इतने बच्चों ने ना पैसे लिए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब्बा जी आए, अब्बा जी कहते आके कि जिना आपका गल्ला किधर है। मैं भागी भागी गई, मुझे तो पता था मैंने छुपाया हुआ है। मैं भागी भागी गई तो उधर गल्ला नहीं था, तो मैं रोने लग पड़ी। अब्बा जी ने मुझे बड़ा डांटा, और डांट डूट के ना मारा। कैसे था, किससे? ऐसे बस एक दो थप्पड़ लगा लेते हैं जैसे माँ बाप मारते हैं। तो फिर पापा ने अब्बू ने ना मुझे बड़ा समझाया, अगर वो ले लेती तो वो तो आपकी बहन थी, उसमें तो घर में लगाने थे। इंदाना बेटे ये गलती करना, देखो आप ना आपके काम आए ना आपकी बाजी के काम आए, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो आप ऐसा करते, चलो बाजी ने वैसे वैसे कहा था, बाजी कौन सी ले रही थी, अब आपके पास तो नहीं ना पैसे रहे। मैंने कहा ठीक है,
सॉरी मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अब्बा जी मैं आइंदा से नहीं करूंगी। अबे आपने आइंदा से कभी नहीं किया? नहीं फिर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता। कोई बताए बाजी इन्हां नूं ना वाली सुनाओ जड़ी इहदे ताया पापा वाली। हाँ जब हम छोटे होते थे जैसे आप और जहीर हम आपसे थोड़े थोड़े बड़े होते थे, बड़े थोड़े थोड़े बड़े होते थे तो हम खेलते थे बड़े। ये जो आपके पापा ये सारे छोटे थे, ये तब नहीं थे तो वो ना हम खेलते थे। मेरा जो बड़ा भाई है ना आपका दादा कौन था? गखड़ वाली सनापा के जो बाबा आया पापा। अच्छा जो वो क्या रहते हैं गखड़। हाँ वो ना उन्होंने ना मस्जिद में हमारे मौलवी साहब ना हक नमाज जब फजर की नमाज होती थी ना तब वो पढ़ते थे हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं जब मैं बड़ी थी अम्मा जी ने खाना बना के देना ना मुझे तो कहना जाओ बड़े भाई को दियो छोटे भाई को दियो। जब मैंने देने जाना ना उनको तो मैंने रास्ते में खुद भी खाती जाना। तो ये जो मेरे भाई थे ना बड़े है छोटे थे मेरे लेकिन ये बड़ा था ना बड़े भाई छोटे भाई हो ना बड़े ही होते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम इल डाल दिया। हाँ इल की तरह जैसे ठाके ऐसे चूसे ठाके ले जाते ईगल है ना ईगल वो जो आपसे बनाना लेके गई वो खींच के ले जाती है ना तो उसको कहते हैं कि ये तो इल है इल की तरह छीन के ले जाती है चीज खा लेती है तो कहती है कि ये इल है। तो वो ना सुबह सुबह जब आपके दादा अबू जब मेरे अब्बा जी ना नमाज पढ़ते थे ना वो तहज्जुद गुजार के रात को 2 बजे 3 बजे उठ के नफल पढ़ते फिर वो दुरूद इब्राहिम तस्बीह पढ़ते थे। तो सारी उम्र की हमने जब भी अपनी होश संभाली ना अपने अब्बा जी को ऐसे ही पढ़ते देखा। तो जब फजर की नमाज होनी ना तो आपके ताया बाबा ने कहना फजर की हाँ कहना हक ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मैं अब्बा जी ये देखो मेरे नाम डाल रहे हैं। अब्बा जी ने कहना गाल कर ओए मिट्टी दे ना पाने वो तुसी बंदे दे पुत्र बनना ने सवेरे लड़ाई करनी शुरू कर देते हो। उन्होंने कहना अब्बा जी कब मैं तो हक ला इलाहा पढ़ रहा हूँ जैसे मौलवी पढ़ता है ना हक ला इलाहा अंदर वो ला इला इल्लल्लाह है ना तो वो ई छेड़े थे इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तो मैंने रोना मैंने कहा ना ये मेरा नाम डाल रहे हैं। जब छोटे बहन भाई होते हैं ना जेड़े ऐसे ही करते हैं जैसे जुए नहीं आपको तंग करता है ना वो ऐसा वो मेरी दोस्त है कि मुझे कहती है एक नाम मुझे ना फनी सा बना के छेड़ती है मुझे भी। हाँ तो ऐसे होता है दोस्तों में अच्छा, बहन फिर क्या होता है? फिर क्या जिसे डांट पड़नी उसको हाँ। आपके दाई बाबा को हाँ तो उससे छोटे थे लेकिन वो बड़े थे ना तो घर में उनको बड़ा ही माना जाता था। तो फिर अब्बा जी ने उनको डांटना तो मैं खुश हूँ ना अब इनको भी डांट पड़ रही है ऐसे होता है बहन भाई। तो जब आपको पढ़ती थी वो खुश होते थे? नहीं मुझे कम पढ़ती थी मैं अब्बा जी के बड़े काम करती थी। अब्बा जी का खाना लेके जाती थी जब रात को अब्बा जी आते थे उनको खाना देती थी उनका हुक्का पीते थे। बाजी इन्होंने वो वाली भी सुनाओ जड़ी तो मैं आग जला के ना अपने अब्बा जी को आग जला के तो उसमें डाल के देती थी। वो अब सिगरेट लोग कहेंगे लोग सिगरेट पीते हैं ना मेरे अब्बा जी सिर्फ हुक्का पीते थे। तो बाजी और जड़े उन कपड़ा लेके आए सन तो तुसी पन्ना अपना लेके आए सन कि लाचा सी छड़िया सी आहो हमारे अब्बा जी ना कुछ देर के लिए कपड़ा भी बेचते थे गाँव में जाके ना कपड़ा साइकिल पे जाके बेचते थे। तो मैंने ना ये जो आपकी बीना छीना ना छोटी थी तो मुझे शौक सिलाई कपड़े करने का बहुत शौक था। तो मैं ना कपड़े सिलाई करती थी कभी आपकी दादों के काट के कभी अपने काट के कभी दादा भी छोटे होते नहीं इतनी किसी बड़ी सी जरा रोजिया पाजे वो था रोजिया पाजे तो वो भी ना छीना ना जो आपसे जैसे आप तो जहीर है ना ऐसे तो मैं इनके ना कपड़े काट काट के बनाना रात को अब्बा जी ने थान लेके आना तो मैं इनके कपड़े जब रात के अब्बा जी ने तो मैंने इनको पहनाए होते थे तो अब्बा जी आके गालियां निकालियां तो मैं लेके आता तो मेरे बाहर तो बिके नहीं तो आपने घर में पहन भी लिए। एक बार मैंने अब्बा जी का ना लाचा था उसका काट कर उसका भी फ्राक इन दोनों को बना दिया। इनके मैंने कपड़े बहुत सिलाई किए हैं और इनकी चुटिया भी बनाती थी
उनको पोनियां डाल दी थी, कभी इनके तारों वाले सिलाइयां कर कर के तारे मोती लगा ला के दो दो पोनियां बना। बाजी जोरन ने से सिलाई करने आंदे कर ला दसन भी ओ फिर क्या करनी भी ना कर ली पर सबसे ज्यादा मैंने की वो फिर क्या करा बाजी बिना ने ताड़े को सीखी है ना मामा सीखी किसे भी नहीं मेरे को ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਨੀਆਂ ਛੀਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਬਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਛੀਨਾ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬੀਨਾ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾ ਚਾਹ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਆ ਥਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਭੀ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਹੂੰ ਕਪੜਾ ਤੋ ਆਪ ਇਨਕੇ ਕਪੜੇ ਬਣਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਪੜਾ ਢੂੰਡਤੇ ਥੇ ਨਾ ਕਪੜਾ ਢੂੰਡਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿਚ ਕਰ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਭਾਈਓ ਕਹਿ ਲਿਆ ਛੋਟੀ ਵੱਦੋ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਛੋਟੀ ਬੀਨਾ ਛੀਨਾ ਸੀ ਬਸ छोटी बाकियों की शादी हो गई थी शादी बाहर नहीं बड़ी फूफो की शादी हुई थी जो बड़ी दोनों फूफो की हो गई फूफो मंजूरा के फूफो जोरा की शादी हुई थी और मैं रोजी की तरह थी ऐसी पतली थी जैसे रोजी आप ना पतली सी माड़ो सी पतली सी हां स्मार्ट पतलो जई जैसे आप पतलो सी ऐसे मैं भी छोटी होती पतलो सी होती थी पापा वो और कौन सी है और कौन सी कोई नहीं बस पांच है पापा और आपको वो याद है जब मुदस्सर ताया पापा ने उन्होंने जब बाबा से फाइट करते थे वो आप सुनाओ आप सुनाओ आप सुनाओ मुझे तो भूल इसके बाबा ने इसको स्टोरी सुनाई थी वो सुनाओ मुझे सुनाओ मैंने आपको इतनी सुनाई है ना बातें बचपन की आप मुझे भी सुनाओ क्या मैं अपने बचपन की हाँ नहीं अपने ताया पापा की और अपने पापा की बातें मुझे भी सुनाओ मैं अपनी बताऊं जो मामा ने मुझे सब बताई हैं एक दिन ना मैं वो पार्क में जा रही थी तो मैंने बनाना खा रही थी अच्छा तो फिर हम पार्क में जब बनाना खा रही थी एक चील मेरे से ना बनाना उठा के ले गई मैं डर गई जाइना डर गई और जाइना डर के ना फूफो ऊंची ऊंची आवाज से रोना शुरू हो गई एक साल की हाँ बंदा डर जाता है हाँ बंदा डर जाता है जानवर ऐसे करे ना बंदा डर जाता है और पापा जब हम जाना की बहन और मेरी हम जब छोटे थे ना और फिर जब मेरी और बहन की लड़ाई होती थी ना फिर बाबा को बोलना नहीं पड़ता था पापा किचन में काम कर रहे थे तो फिर हम मैं उसे एक गले लगा देती थी फिर भी मुझे गले लगा के रोना शुरू हो जाता अच्छा ये बहन भाई ऐसे ही होती है झगड़ा भी करते हैं लड़ाइयाँ भी करते हैं और प्यार भी करते हैं तो बहन भाई होते हैं ना जब भी आता तो और पापा बाबा ने मुझे ये बताया कि मैं बताती हूँ ना पापा तो वो से बात करते हैं मामा को तो देख लें दोनों एक दिन ना बहुत एक दिन पता क्या होता है जब भी मामा पापा कहते होते थे ना कि जाओ ये करो फिर इसके साथ खेलो फिर इसके साथ बातें करो तो मैं कहती थी जाके उसको बातें हमने कहा ना जाओ उसके साथ बातें करो बातें जाओ उसके साथ खेलो खेलो मैं जब छोटी सी होती थी ना तो गुगु मामू मेरे से ना एक साल और दो माह एक साल छोटे थे तो एक दिन ना उन्होंने इनकी मम्मा ने कहा कि ना जाओ ना तो तब गुगु मामू बहुत छोटे थे और ये थोड़ी गुगु मामू से बड़ी थी तो उन्होंने कहा कि जाओ जाओ सुबह उसको डाल के आओ गुगु को चूसनी डाल के आओ सूथर डाल के आओ तो फिर पता क्या हुआ मामा ने चूसनी डाली तो फिर वो उस रंग चूसनी निकाल दी फिर डाली तो फिर उसने निकाल दी फिर मामा ने इतने जोर से थप्पड़ मारा और रोना शुरू हो गया हाँ तो ऐसे ही होता है पापा और बताओ एक और सुनना बताओ एक मामा और कौन सी थी आपकी और हाँ गुगु मामू ने कहना था ना आप लोग ना सारे कुशन जो है ना अपने पर मुझे और परी खाला को गुगु मामू ने कहना कि ना आप सारे ना तब तक कुशन रख लो सर पे तो गुगु मामू ना तो पता क्या होता था वो एक बेड पे ना वो छलांगे मारते थे उन्होंने छलांगे मारी तो फड़ी आप
मामा ने फरी आला को आगे काट दिया तो क्या इनको लगे तो फिर पता क्या हुआ फिर उन्होंने फरी आला के ऊपर जम मारी बोलो ना चलो वो मेरे से मोटी थी ना तो मैं उसको आगे कर देती थी बड़ी छलांगे मारता था और क्या थी मामा और सुनाती है और किस किस को मैं आपको एक मेमने वाली सुनाऊं इनकी बड़ी मामा ने सुनाई थी एक ना मेमनू होता है वो अपनी मम्मा को कहता है मम्मा मैं ना अपनी नानू घर जाऊंगा तो मैं मोटा हो गया हूँगा तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है जाओ तो वो चले जाता है उसकी नानू देती है उसको वो पहले कहता है नानू मैं आपसे मोटा होके जाऊंगा अच्छा तो उसकी नानू उसको मक्खन दही दूध बिस्किट तो नहीं जाना देती दही दूध देसी घी रोटी अंडा इस तरह की चीजें देती तो फिर वो इतना मोटा हो जाता है इतना ज्यादा फिर वो कहता है मैंने घर जाना पप्पा लेकिन लॉकडाउन है तो मैं कैसे जाऊं तो वो कहता है उसकी नानू कहती है मुझे तो नहीं पता मुझे सोचना पड़ेगा अभी फिर तो फिर पता क्या होता उसको एक आइडिया आता है वो कहता है तो नानू आप मुझे ना डोल में बंद कर दे मैं ना आगे आते जाऊंगा उसकी नानू कहती है ना बेटा मैंने कुछ चाहती है आपको को तो फिर वो कहते जाते फिर वो मान जाती है वो एक टांग लगाती है ढोल को ढोल जाता है मम्मा कहाँ जाता है पुलिस वाले खड़े होते हैं दो तो उसके पास ढोल जाके रुक जाता है पुलिस वाले कहते हैं है ये कौन सा ढोल है वो एक पुलिस कहते हैं दफा करो यार ये क्या है ढोल तो उसको ऐसे टांग मारता है वो कहता एक ना दो लड़कियां होती है नहीं वो तो बाद में आता है याद है ना दो लड़कियां अच्छा अच्छा पहले उसकी बात सुन लो ना सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो कहते हैं यार ये क्या है अच्छा वो इसके साथ में खेलते हैं वो डम ऐसे करते हैं वो उसको ऐसे करते हैं टांग मारते हैं वो कहता है आई उसकी उसका पेट ऐसे करता फिर आगे से ना दो लड़के खड़े होते हैं लड़कियां खड़ी होती हैं अच्छा तो वो ना देखती हैं कि ये ढोल चलाओ इस ढोल को ना बजाएं वो ऐसे करती हैं डम उसके यहाँ आके लगता है वो ऐसे करती हैं डम उसका वो कहते हैं वो कहते फिर वो एक वो कहती हैं और डम 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 और फिर पता क्या होता पापा फिर दो लड़के खड़े होते हैं अच्छा वो कहते हैं यार ये क्या है इसको ना और इसको क्या फायदा है इसको ना हमने बस इसको ना इसको टांग मार देते हैं अच्छा तो वो टांग मारते हैं तो वो कहता है ओए अल्लाह ओ अल्लाह उसको अंदर चोट लगती है ना हाँ खुदा का वास्ता है हमें मुझे छोड़ दो तुसी छोड़ दो मुझे हाँ तो फिर वो ना इतनी उसने फाइटिंग की होती है तो फिर पता क्या होता है ढोल आके ना घर में रुक जाता है तो फिर वो उसकी मम्मा कहती है ये कौन सा ढोल है तो उसकी मामा ना उस अंदर से आवाज आती है मामा मैं हूँ उसकी मामा ढोल खोलती है तो अंदर से वो इतनी ज्यादा निकलती है उसकी मम्मा कहती है जा मेमनू